नमस्ते, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आई एम गोपाली एंड आई एम हियर एट अहमदाबाद मणिनगर खोखरा स्पोर्ट्स ग्राउंड। तो यहाँ पे अभी आप ये सब देख सकते हो, पंडाल वगैरह बने हुए हैं एंड यहाँ पे सारे वो एम्प्लॉयज़ आ चुके हैं जो एक्चुअली कल इलेक्शन ड्यूटी करने वाले हैं। सो कल 23rd of April है, गुजरात में कल इलेक्शंस हैं, आज 22nd of April है। तो ये सारे लोग यहाँ पे आ गए हैं और ये काफ़ी बड़ा मंडप बना हुआ है, टीम लाइक तीन नंबर्स के हिसाब से लिखी हुई है। इवन ये जो पंडाल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बना हुआ है। वेट, आई विल शो यू। इलेक्शन एक बहुत बड़ी प्रोसीजर है और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। हम लोग लाइक जो जनता है वो एक बार आके वोट करके चली जाती है, तो हमारे लिए एक छोटी सी प्रोसीजर हो जाती है। बट जो लोग इस पूरी प्रोसीजर में जुड़े होते हैं, जो इसके पीछे सारे काम करते हैं, बिहाइंड द सीन्स ऑफ इलेक्शन इज सो ह्यूज एंड इट इज़ सो डिफिकल्ट, इट इज़ सो टाइम कंज्यूमिंग, इवन इट इज़ एक्सपेंसिव। बस आप देख सकते हो जिस तरीके से एक शादी में पूरा खर्चा होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से खर्चा हो रहा होता है। बिकॉज इलेक्शन की ड्यूटी लाइक कल से स्टार्ट होगी, बिकॉज कल इलेक्शन से, बट इन लोगों को आज ही यहाँ आना है। दे आर गोना स्टे फॉर द होल नाइट टुडे हियर एंड देन कल उनकी ड्यूटी होने वाली है। स्पेशली इट इज़ इलेक्शन का काम, तो कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ ना हो वो सारी चीज़ें ध्यान रखना। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इन लोगों ने हर जगह इस तरीके के टेबल फैन आप देख सकते हो। फूड की भी अरेंजमेंट की है, लाइक ये अभी तक पहली बार हुआ। मस्कान मतलब नंबर 103 सो देर ऑल्सो हैविंग अ मेडिकल टीम सेटिंग देयर, बिकॉज इतना ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, सो यू नेवर नो, मेडिकल रिक्वायरमेंट कभी भी पड़ सकती है। एंड राइट नाउ एवरीवन इज सिटिंग, उनको जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स मिले हुए हैं, जो लिस्ट मिली हुई है वोटर्स की, आई गेस उन सारी चीज़ों को सेग्रीगेट कर रहे हो ना, सिटिंग इन द ग्रुप, जिनकी जिस बूथ पर ड्यूटी लगी है एंड वहाँ पर जो सारे बैग्स वगैरह लेके आ रहे हैं उसके अंदर आई गेस देर आर सम डॉक्यूमेंट्स और लिस्ट जो मैं बता रही हूँ। यहाँ पर आपको सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ मिलेंगे, लाइक प्रोफेसर्स, टीचर्स एंड ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, एंड इवन आपको हर टेंट के पास, हर गेट के पास पुलिस वाले अंकल्स भी मिलेंगे। सो लाइक एवरी वन इज़ वर्किंग हार्ड हियर जस्ट टू मेक दिस इलेक्शन सक्सेसफुल एंड दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट, बिकॉज जनरली हम वोट डालने जाते हैं वो हमारे लिए छोटी सी प्रोसीजर हो जाती है, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज इन सारे जो भी यू नो जो भी कल आपको वहाँ ड्यूटी पे देखने मिलेंगे, अपने बूथ पे मिलेंगे, उन सबको पहले से ट्रेनिंग दी जाती है कि हाउ दे आर सपोज टू वर्क, उन लोगों को किस तरीके से एंट्री करनी, हाउ डू द मशीन वर्क एंड यू नो अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए उन्हें किस तरीके से हैंडल करना है, तो वो ट्रेनिंग का प्रोसीजर भी पहले काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। एंड नाउ दे आर जस्ट गेटिंग देयर। ओके गाइस, सो वी आर हैविंग फ्यू रिपोर्टर्स हियर, वन इज फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया, आई जस्ट हैड अ वर्ड विद हिम। गर्मी बहुत ज़्यादा है, उन लोगों ने अच्छे खासे ठंडे पानी की व्यवस्था कर रखी है, बिकॉज लिटरली इवन पंखे चल रहे हैं और पूरा ऊपर टेंट वगैरह बना हुआ है, फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इन लोगों ने अच्छे खासे कैंपर्स रखे हुए हैं जिसमें आरओ का ठंडा पानी मिल रहा है। सो या यू नो दिस फैसिलिटीज़ आर सो मच नेसेसरी फॉर ऑल द एम्प्लॉयज़ वर्किंग फॉर द इलेक्शन एंड या आई एम लाइक आई एम सो ग्लैड टू सी दिस। જેટલા સેક્ટર ઓફિસર છે ધ્યાનથી સાંભળે, હું માનું છું
तुम्हारी बड़ी टीमों तैयार रहेगी, ऐसे जो तुम्हारी टीम में कोई मेंबर होता है तो तरत मारो, कॉन्टेक्ट करो। तो नीचे जहाँ पे मैं गई हुई थी वहाँ पे रिजर्व स्टाफ था, जो लोग उनकी ड्यूटी पे नहीं आ सकते हैं कुछ रीजंस की वजह से, वो वहाँ मतलब एक वहाँ पे जो एक्स्ट्रा उन लोगों ने स्टाफ रखा था ताकि वो उन्हें अलाउट कर सकें। एंड यहाँ पे ना अभी एक अंकल थे जिनका ना पाँव फ्रैक्चर हो चुका था एंड उनको ड्यूटी अलाउट कर दी गई थी। एंड देन जैसे यहाँ के लाइक यू नो ऑफिसर्स वगैरह को पता चला कि उनके पाँव में फ्रैक्चर है, सो उन लोगों ने तुरंत ही उनकी ड्यूटी किसी और के साथ एक्सचेंज किया एंड दे लाइक डायरेक्टली टोल्ड देम कि यू कैन गो फॉर रेस्ट, बिकॉज ऑफ कोर्स एक बंदा जिसके पाँव में फ्रैक्चर है, हाथ में चोट लगी है, वो इलेक्शन की ड्यूटी नहीं कर सकते हैं। ओके गाइस, तो अब हम पहुंच गए कॉर्नर में टेंट के और यहाँ पे फूड की लाइन लगी हुई है। तो यहाँ पे इन लोगों ने दोपहर का लंच प्रोवाइड करना है, दोपहर हो चुके, लंच का टाइम हो चुका है, तो यहाँ पे लंच की फैसिलिटी चल रही है। ये पूरी प्रोसीजर लिटरली ऐसा लग रहा है कि एक शादी की प्रोसीजर है, बिकॉज जिस तरीके से इन लोगों ने टेंट लगा रखा है, पूरे खाने पीने की फैसिलिटी है एंड दे हैव ट्राइड देयर लेवल बेस्ट ताकि जिनकी ड्यूटी है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। बिकॉज काफ़ी लोग काफ़ी दूर दूर से ट्रैवल करके ये ड्यूटी करने आते हैं जिसकी जहाँ पर ड्यूटी लगती है। एंड यू नो ये अपना बूथ छोड़ के अगर इनको एक बार, जैसे ये लोग यहाँ बैठ के अपना कुछ सामान वगैरह अरेंज कर रहे हैं, जो भी अपने पेपर वर्क वगैरह वो देख रहे हैं, तो इनको वो सारी चीज़ें करने में प्रॉब्लम ना हो, इनको खाने पीने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। यहाँ पे आप देख सकते हो इन लोगों ने हर जगह, ये देखो इन लोगों ने इस तरीके से हर जगह कैंपर की भी व्यवस्था कर रखी है ताकि जब भी इनको खाने पीने की कोई भी लाइक किसी भी तरीके से प्रॉब्लम ना हो। एंड यार दिस इज़ हाउ द इलेक्शन वर्क्स, इट इज़ लिटरली अ लॉन्ग प्रोसीजर। जब तक मैं यहाँ नहीं आई थी मुझे भी नहीं पता था कि इट इज़ दिस लॉन्ग प्रोसीजर, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड गाइज इट इज़ एक्सपेंसिव। सो आई ऑलवेज सजेस्ट, लाइक इट इज़ माई ओपिनियन कि ये जो बार बार इलेक्शंस होते हैं ना, हम इन इलेक्शंस को एक ही बार कर सकते हैं ताकि लोगों को प्रॉब्लम कम हो एंड सेकेंडली एक्सपेंसिस बचें। बिकॉज ऑफकोर्स ये लाइक हर थोड़े टाइम में हर घड़ी घड़ी ये करना इज़ नॉट सो ईजी, ट्रेनिंग इज़ नॉट सो ईजी, लोगों को समझाना, एक्यूमलेट करना, इट्स नॉट एन ईजी प्रोसीजर। मैं अभी मणिनगर के जोन के नोडल ऑफिसर के साथ हूँ, तो ये भी इलेक्शन ड्यूटी पे ही हैं। सो आई एम जस्ट आस्किंग हिम सम क्वेश्चंस, जो हम जैसी जो नॉर्मल जनता है जो सिर्फ वोट देने जाते हैं, जिनको इलेक्शन के पीछे क्या हो रहा था उसकी कोई नॉलेज नहीं है, तो बिहाइंड द सीन्स जानने के लिए हम इनसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये पूरे इलेक्शन के लिए आप तैयारी कब से कर रहे हो? ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने पहले से ये सारी तैयारियाँ होने लग जाती हैं, सारे बूथ तैयार किए जाते हैं, सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं जिन बूथ पे, क्योंकि पहले से डिसाइड होता है कि यही बूथ हैं और इसी जगह पे मतदान हो सकता है, हम उनकी जगह नहीं बदल सकते हैं, इसलिए ये सारी प्रोसेस चलती रहती है। और लगभग 4 महीने पहले से जो सेक्टर ऑफिसर हैं वो सब लोग काम पे लगे, मतलब 4 महीने पहले से ही पूरे इलेक्शन की तैयारी शुरू होती है, सिर्फ एक दिन फील्ड की बात है 4 महीने पहले से, बाकी जो डिपार्टमेंट हैं जो इलेक्शन के साथ जुड़े होते हैं उनको तो 6-6, 7-7 महीने पहले से काम में लगे। तो हम एक दिन वोट करने जाते हैं पर उसकी तैयारियां काफ़ी लंबे टाइम से चल रही होती, आप हमें अप्रॉक्सीमेटली एक अंदाज़ा दे सकते हैं कि कितना खर्चा आता है? अब वैसे तो खर्चे का हिसाब हर एक एसी का अलग अलग हो जाता है, क्योंकि सब जगह की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर कोई अच्छा एरिया है जैसे हमारा मणिनगर का एरिया, ये अहमदाबाद का बहुत अच्छा एरिया माना जाता है, और इस एरिया में हमें कुछ सुविधाएं जो हैं स्कूलों में ऑलरेडी मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी अगर मणिनगर की ही बात करें तो प्रत्येक बूथ का खर्चा मिनिमम 2,000-3,000 रुपये का आके पड़ता है।
हमारे यहाँ 241 जैसे कि सीट्स हैं, 241 बूथ हैं, तो 241 बूथ के लिए 241 और सभी पे गुणिया 5 करना है, एक प्यून, एक पीआर, एक प्रिसाइडिंग, एक असिस्टेंट प्रिसाइडिंग और एक एफपीओ, इस तरीके से 5 लोगों का स्टाफ होता है। तो आप 241 गुणिया 5 अगर करेंगे तो ये हमारा स्टाफ हुआ। इसके बाद क्या है, रिजर्व स्टाफ की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि इनमें से कोई बीमार हो जाए, किसी को कोई परेशानी हो जाए। इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है और ऐसे में बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। अभी ही हमारे यहाँ एक शीतल सोलर स्कूल है और वहाँ पे एक एफपीओ का फोन आया इस संदर्भ में कि उसकी पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, उसको तुरंत रिलीव किया जाए, उसको हॉस्पिटलाइज किया जाए। कुछ दिन पहले पेपर में भी आया था कि किसी को अटैक आ गया, कुछ इस तरीके के केसेस चलते रहते हैं, ड्यूटी के टेंशन में आकर के भी बहुत से लोगों को इस तरीके की परेशानियां होती हैं। इसलिए हमें 10-15% रिजर्व स्टाफ रखना पड़ता है। तो आप समझ लीजिए 241 के सामने हमें कम से कम 180 लोगों का रिजर्व स्टाफ की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस हिसाब से और पेमेंट तो चाहे वो रिजर्व में हो चाहे वो काम कर रहा हो, सभी को देना होता है। और आजकल जैसे विकास हो रहा है तो विकास के साथ सब लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ती हैं कि हाँ भाई हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो पहले क्या हुआ करता था कि जो लोग जाते थे उनको खाने पीने की सुविधाएं नहीं दी जाती थी, लेकिन इस बात से जैसे कि मैं मणिनगर की बात करूँ तो जो लोग वहाँ ड्यूटी पे आए हैं, तो आज 22 तारीख को उन लोगों को जब हमने वहाँ से डिस्पैच किया है तो उसके साथ साथ उनको अपना खाना खिला के भेजा है। शाम को हम उनके लिए डिनर भी भेजेंगे और कल जो है दोपहर का लंच भी उनके लिए जाएगा। शाम को जब वो वापस आएंगे तो हम उनको खाना भी खिलाएंगे। तो ये सारे खर्चे तो लगे रहते हैं, मैं उनका, क्योंकि जब तक सारे खर्चे पूरे नहीं होते हैं तब तक उसका पूरा आंकड़ा बता पाना या उसको समझ पाना भी मुश्किल है, क्योंकि ये मेरे उसकी भी चीज़ नहीं है, क्योंकि खर्चे मैं नहीं किया करता हूँ, खर्चे जो डिपार्टमेंट है वो करता है। लेकिन एक अप्रोक्सीमेटली अंदाज भी निकाल रहा हूँ तो ये खर्चा जो है एक विधानसभा क्षेत्र का 30-35 लाख से कम नहीं हो सकता है, उससे ऊपर ही खर्चा होता है। आपने जब लाइक अपने टाइम पे जब आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उस टाइम की ड्यूटी में थे और आज जो लोग हैं उसमें क्या डिफरेंस आया है? बहुत डिफरेंस आ गया है भाई। हमारे टाइम की बात दूसरी थी, बैलेट पेपर से मतदान हुआ करता था, हमेशा एक टेंशन बना रहता था कि कभी भी कोई आ जाए और वो हमारे पास से 10 बैलेट पेपर लेके उसको सिक्का मार दे, तो या तो हम डायरी में उसकी एंट्री करें और या फिर हम वो मतदान बंद करवाएं, सारी चीज़ें इस तरीके की। लेकिन आज जब COV और VVPAT यूज होने लग गए हैं तो बड़ा ही क्लियर हो गया है। देखिए 5 बार तक ऐसा होता है कि जो लोग उम्मीदवार हैं उनके एजेंट हैं उस चीज़ को देख सकते हैं, उनके पास 5 चांस ऐसे होते हैं कि इनमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। और इतना बड़ा स्टाफ जो है उसको कोई खरीद करके या उसको कोई अपने बरगला करके, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि कोई हिंदू को या किसी मुसलमान को या किसी पर्सनल को या किसी जाति विशेष को ऑर्डर दिए जाते, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इस जगह पे जो लोग इस तरीके के आरोप करते हैं वो बहुत गलत बात है। और अब तो बहुत सारे चेंज आ गए हैं, इस समय पारदर्शिता जो है वो हमारे इलेक्शन की सबसे बड़ी चीज़ है। और उस पारदर्शिता के लिए देखिए इस बार सुप्रीम कोर्ट ने भी 5 VVPAT की स्लिप गिनने का आदेश दिया है और हम लोग उसका पालन भी करेंगे। मतलब पहले से और अभी के उस जॉब में बहुत अंतर आ गया। पहले वर्क बहुत हार्ड हुआ करता था, अब वर्क इजी हुआ है, लेकिन ट्रांसपेरेंटी ज़्यादा आई है, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हुई है। तो ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होने के कारण कुछ चीज़ें बढ़ भी गई। लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है इलेक्शन ड्यूटी जब मिलती है तो? देखिए ये काम कैसा है कि किसी को मन से तो करना नहीं होता है, सबकी मजबूरी है। और जब मजबूरी में कोई काम करता है तो उसमें उसको ऐसा लगता है कि ये तो सिरदर्दी है और इसी वजह से हेडेक होता है। बाकी काम कुछ कठिन नहीं है। मैं ट्रेनिंग देता हूँ, मेरे वीडियो यूट्यूब पे हैं और सब लोग देखते हैं और उसके बाद वो लोग इस तरीके से कहते हैं कि नहीं साहब काम करना बड़ा आसान हो गया है। लेकिन अगर किसी को काम करना ही नहीं है तो उसके लिए हेडेक वाली बात है, उसके लिए सिरदर्दी वाली बात है। आप नॉर्मल जो जनता है जो अब पीछे क्या चल रहा है वो नहीं जानती, आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे, उन लोगों को लाइक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है आपके हिसाब से? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि सभी लोगों को मतदान अवश्य करना चाहिए। मतदान ये सबसे बड़ा महान यज्ञ है इस लोकतंत्र का। और अगर आप इस मतदान के दिन किसी और काम में लगते हैं और मतदान को अवॉइड करते हैं या मतदान से आप दूर भागते हैं तो आप लोकतंत्र का सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं मैं ऐसा समझता हूँ। अगर आपको मतदान
नहीं कर रहे हैं तो किसी चीज़ पे कोई बात या उंगली उठाने का कोई हक नहीं होता है। आप मतदान करें इसके लिए हर तरीके से गवर्नमेंट प्रयास करते हैं, यहाँ तक कि PWD पूरा एक डिपार्टमेंट बना गया, उसके ऑब्जर्वर हैं, उसके नोडल हैं, उसके सेक्टर हैं, सब लोग बनाए गए हैं कि घर घर से जहाँ भी कोई ऐसा मतदाता हो जो कि विकलांग है या उसको और किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, कोई बहुत ज़्यादा बीमार है लेकिन उसको मत देना है, तो अगर किसी को 102 डिग्री या 103 डिग्री फीवर है और फिर भी वो अगर ये चाहता है कि मुझे मतदान करना है तो उसको भी वहाँ बूथ तक लाया जाए बाकायदा पूरी सुविधा के साथ और उसको मत देने का अधिकार है। इतनी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, कोई 100 साल का, 90 साल का, 95 साल का वृद्ध हो जिसको कि ऐसा लग रहा हो कि नहीं मैं तो चल ही नहीं सकता हूँ, मैं तो जा ही नहीं सकता हूँ, तो अपने सहायक के साथ जा करके मतदान कर सकता है। तो जब ऐसे लोग मतदान कर सकते हैं तो जिनके हाथ पैर सलामत हैं, फिर किस काम के हाथ पैर आपके अगर आप मतदान नहीं। तो एक चीज़ और मैं एडिशनल अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ कि नेता लोग कुछ अपनी चीज़ों के लिए और लोकतंत्र के इस समय पे लोकतांत्रिक परंपराओं का खंडन होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा कह करके प्रजा को बरगलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में ये है कि लोकल बॉडी के चुनाव हों या विधानसभा के चुनाव हों या लोकसभा के चुनाव हों, अगर ये चुनाव एक साथ करवाए जाएँ और बाई दिव्य अगर किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो उस सीट पे या तो जो सेकंड नंबर पे आए उसको उस सीट दे दी जाए, या फिर सेकंड नंबर की बात नहीं हो तो अगले चुनाव तक भले उसको पोस्टपोन किया जाए, बाकी के लोगों से उसका काम किया जा सकता है। तो इस प्रकार की कुछ जो पब्लिक भी डिमांड करे और पब्लिक इस चीज़ की मांग करे कि नहीं साहब सारे चुनाव एक साथ ही होने चाहिए, 5 साल में एक चुनाव होना चाहिए, 5 साल में एक बार लोकल बॉडी के चुनाव हों, एक बार विधानसभा के चुनाव हों, एक बार लोकसभा के चुनाव हों, इतने सारे खर्चे, इतने सारे आयोजन हों, इतना सब कुछ करना पड़ता है, इतनी मेहनत लगती है, इतने स्टाफ लगता है, सब चीज़ें बहुत ही फालतू के खर्च हुआ करते हैं। इन खर्चों को बचाने के लिए, उनका योग्य उपयोग करने के लिए मैं ये मानता हूँ कि सारे चुनाव एक साथ किए जाने चाहिए। एक करके आपको इलेक्शन के पीछे का एक छोटा सा स्नीक पिक बिहाइंड द सीन्स देखने में मज़ा आया हो और थोड़ी बहुत नॉलेज मिली हो। अगर आपको इस चीज़ के बारे में डिटेल में जानना है, मेरे पापा के चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, इनके पास पूरी एक प्लेलिस्ट है इलेक्शन की, तो आप वो भी डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। एंड थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका हमारी वीडियो पे आके लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का। सब्सक्राइब वेरी मच, आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हेलो गाइज, हमारे घर के पास ही एक बूथ है, आप देख सकते हैं, दिस इज़ एन इलेक्शन बूथ। यहाँ पे भी टेंट वगैरह बांधे हैं और जितने भी ऑफिसर्स हैं, अभी शाम के 3 बज रहे हैं और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी कल ड्यूटी है वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं एंड वो सारे यहाँ तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे भी लाइक जो पंडाल है वो बन चुका है, इवन यहाँ पे भी कुछ पुलिस वाले अंकल्स बैठे हुए हैं फॉर ऑल द सेफ्टी रीजंस। तो कल वोट है, अभी लाइक अच्छा खासा टाइम बाकी है, बट दे आर ऑल प्रिपेयर्ड, इन लोगों ने सारी तैयारी कर ली है। जस्ट रिकमेंड यू गाइज कि आप अपने रीजन में, आपके एरिया में जब भी वोट हो उस दिन जाके वोट दीजिए, डू गिव वोट। एंड सेकेंडली, जो भी आपके यहाँ रीजन में जो भी एम्प्लॉयज़ आए हैं, जो भी इस इलेक्शन बूथ पे हैं, उनको रिस्पेक्ट कीजिए, ट्राई कीजिए कि आप उनको जितना ईजी गोइंग कर सकते हैं, उनको जितना हेल्प कर सकते हैं उतना हेल्प कीजिए, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी। ये लोग आज सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं, जो काफ़ी दूर से आए हुए हैं वो आज पूरे रात यहाँ पर रुकने वाले हैं, वो पूरे दिन कल ड्यूटी करेंगे एंड तब जाके उनका कहीं लाइक पूरी जॉब फिनिश होगी इलेक्शन ड्यूटी वाली। सो डू गिव देम सम रिस्पेक्ट, उनको हेल्प कीजिए जहाँ पे आप उनको इजीली काम करने में हेल्प कर सकते हैं।